अम्मा जी, मंगलम भौजी, भगवान विष्णु देव, पता भी नहीं कौन मिला। कौन? गंगा। कौन गंगा? अरे जिसकी शादी के लिए महाराज जी गाँव गए हैं, अभी भी उसकी शादी हुई है और अपने पूरे परिवार के साथ इधर ही आई हुई है वो। बहू शादी से याद आया, मैं सोचूं इन दोनों की फिर से शादी करवा दे, फिरे डलवा दे। ठीक है। देखो कृष्णा भी हाँ बोल रही है। पंडित जी ऐसा हो सकता है कि इन दोनों की शादी फिर से करवा दे? अच्छा मुहूर्त है ना। लेकिन अम्मा जी अभी क्यों, हमारा मतलब उसकी क्या जरूरत है? हाँ, क्यों क्या मतलब? मैं तुम लोग की शादी में थी, मैं तो पीर बाबा क्या थी। देखो ये मेरे सामने शादी होनी चाहिए, क्यों नहीं रू, क्या कहता है? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सही कह रही है। हाँ दादी आज शादी करवा दीजिए। हाँ। मैं रेडी हूँ। हिंदू पांचांग के हिसाब से ये समय और स्थान शुभ नहीं है। आप चाहें तो पास के मंदिर में फेरे करवा सकते हैं। अच्छा। वो भी आधे घंटे के बाद। माताजी वो समय इतना शुभ है, अगर उस समय पे फेरे लिए गए तो फिर इनका साथ युगो युगो तक रहेगा। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। पापा दादी मैं तो कहता हूँ ये युगो युगो वाले फेरे आज ले ही लेते हैं, फिर अगले 7 जन्म तक तेरी लाइफ में किसी के आने का चांस ही नहीं रहेगा, है ना? फिर मैं भी टेंशन फ्री रहूंगा कि अगर कहीं मर भी गया तो। ए, लल्ला। सागर, गंदी बात। ओम विष्णु देवाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर अगले 7 जन्म तक तेरी लाइफ में किसी के आने का चांस ही नहीं रहेगा, फिर मैं भी टेंशन फ्री रहूंगा कि अगर कहीं मर भी गया तो। लीजिए पूजा संपन्न हो गई, अब चलकर ब्राह्मणों को भोग कराते। बोट राइड। चलो। नहीं नहीं कृष्णा, नाव पे नहीं जाना अभी। अरे नहीं नहीं कृष्णा, प्लीज जिद मत करो। अरे जाने देना, बच्चे का मन है तो। यस 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 यस, गंगा गंगा गंगा, चलते ना, लेट्स गो, कोई बात नहीं। गंगा गंगा नाम है आपका, और आज ही हम दोनों की शादी हुई है। हमने कहा ना हमारी कोई शादी नहीं हुई है। बस बहुत हो गया, हमारे पावजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, देहांत हो गया है उनका, अंतिम संस्कार करने जाना है। आपसे बहुत लगाव था उन्हें, इसलिए आपको ले जाने आए हैं। चलिए हमारे साथ। क्या कर रहे हो तुम? हमें घूंघट नहीं लेना, हम घूंघट क्यों लें? हमारी कोई शादी नहीं हुई, हमारा पति भी नहीं है। ये क्या कह रहे हो? अगर तुम लोग सच बोल रहे हो ना तो इससे बोलो कि साबित करके बताए कि हमारी शादी हुई है इसे। ये क्या कह रहे हैं बहू रानी? साहब जैसे कह रहे हैं ना वैसे करिए। वैसे भी साहब पहले से ही बहुत दुखी है, पिता का दाह संस्कार भी करना है इन्हें, चाहिए इनके साथ। नहीं चाहिए नहीं, हम किसी अनजान आदमी के साथ नहीं जाएंगे। अरे सुनती क्यों नहीं बहू रानी, जाइए ना, यही आपके पति हैं। अरे हमने कहा ना हमारे पति नहीं है ये, हम नहीं जाएंगे किसी के साथ।
एक विधवा माँ को उसके अंतिम समय में वचन दिए थे हम, और तुमको अपने बाबूजी की बात का मान रखना होगा। कल मकर संक्रांति है और कल ही के दिन तुम गंगा से ब्याह करोगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कभी हमारा मुंह नहीं देख पाओगे तुम। मन का शुक्र है, जिंदा है। गंगा, गंगा मुझसे दूर नहीं हो सकती, वो यही है, यहीं आसपास ही है। दोनों को ढूंढ लूंगा मैं, कृष्णा कृष्णा गंगा दोनों को ढूंढ लूंगा मैं। भगवान का पत्थर दिल नहीं हो सकता, छीन नहीं सकता उन दोनों को मुझसे। ढूंढूंगा गंगा, कृष्णा कहाँ हो तुम दोनों? हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़ो गंगा, गंगा! चलिए आप हमारे साथ। मैं कहा हमारा हाथ छोड़ो। गंगा चलिए आप हमारे साथ। गंगा ये सब क्यों भाग रहे? हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आई है, इन सब घायलों को अस्पताल लेके जाना है। हाँ हाँ चलो चलो। अरे हटिया, शिव के आने से पहले तुम्हें अपने पिता के अर्थी को शमशान घाट ले जाना होगा। अब मुखाग्नि तुम्ही को देना होगा। जाने का कोई फायदा नहीं है, दाह संस्कार हो ही गया होगा। बाबू जी के अंतिम दर्शन किए बिना हम नहीं रह सकते। ई है पीयू भाई पाप की नई नवेली दुल्हन। पापा की नई दुल्हन? नाम का है तुम्हारा? गंगा।